सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली दोस्तों, बहुत दिन बाद आज ब्लॉग्स लेके आया हूँ, जो कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। सो फाइनली मैं बहुत दिन बाद तो नहीं कह सकता, लेकिन 4-5 दिन तो हो ही गया, मैक्सिमम 4-5 दिन के बाद मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ। आई होप ये ब्लॉग्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी हम कंपनी के अंदर है और हमारा गैस ख़त्म हो गया था। सो हम कच्ची चूल्हे पे हम लोग, ये देखिए ईंट के चूल्हे पे हम लोग खाना बना रहे हैं जैसे तैसे। और अभी रात काफ़ी हो गया है, हम लोग 9 बजे छुट्टी करके आए तो देखे कि गैस ख़त्म हो गया है। और अभी गर्मी का सीज़न है, अभी हम गुजरात के अंदर हैं और गुजरात GIDC, जो कि बहुत बड़ी यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है और कंपनी के बहुत सारे यहाँ पे काम होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह प्लांट हैं यहाँ पे। तो फाइनली अभी हमारा चावल बन गया है और चावल बनने के बाद ये देखिए दाल यहाँ पे बन रहा है, दाल फ्राई हो रहा है। और दाल बनने के बाद हम लोग आज दाल चावल ही खाएंगे क्योंकि हमारा गैस ख़त्म हो गया था। और फाइनली मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप लोग प्यार दीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि हम हमेशा वीडियो, आपको पता है कि पर डे वीडियो बना के लाते थे, लेकिन अभी हम कुछ घर की जिम्मेदारी के कारण हम शहर में आए हैं कमाने के लिए, तो हमें टाइम नहीं मिलता है। 12 घंटे की जॉब है हमारी। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। अभी हम कंपनी के अंदर ही हैं और कंपनी के अंदर ही हमें खाना पीना होता है, खाना पीना कंपनी के अंदर ही बनाते हैं और खाते हैं और यहीं पे सोते हैं। सो फाइनली मैं यहाँ आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, हम जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और ये एक्चुअली बैक का पीछे का नज़ारा है। ये जो वाइट कलर का ये देख रहे हैं आप, वहाँ इसका मेन गेट है और हम कंपनी के जस्ट साइड में खड़े हैं। और इस कॉर्नर में ये वाला जो कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पर हमारा वर्कशॉप है और ये हमारे साथी वर्कर हैं, मेरे दोस्त, जो कि फ़ोन से अपने घर पे बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बॉयलर वगैरह, टंकी वगैरह, हर चीज़ रखा हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या करें यार, काम तो करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम नहाए भी नहीं हैं। ये देखिए, कम से कम 3 दिन हो गए नहाए हुए मुझे, और 3 दिन से हमने नहाया भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और रात में ठंड बहुत ज़्यादा होता है। फाइनली हम लोग नहाए इसलिए नहीं कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मुझे सर्दी जुखाम हो गया था, इसके वजह से हम नहाए।